पूज्य बापूजी के साधना काल व उनके 40 दिवसीय अनुष्ठान के प्रत्यक्षदर्शी रहे संत श्री लालजी महाराज मोटी कोरल में हुई घटना के बारे में अपनी पुस्तक में लिखते हैं, संवत 2021 ज्येष्ठ शुक्ल में लगभग षष्ठी तिथि के दिन भगवान पंच कुबेरेश्वर महादेव की संध्या काल की आरती के बाद मैं दूर दूर तक विशाल तट व जल प्रवाह से सुशोभित माँ नर्मदा के दर्शन के लिए की चौक में खड़ा था। वहाँ एक युवक भी ऐसे वातावरण की नीरव शांति व भव्यता का पान कर रहा था। उनके हृदय में चमकते हुए सितारों की भांति प्रश्न उद्भवित होते थे। वहाँ मेरे साथ उनका मिलाप शुरू हो गया। मैंने निकट बैठा कर उनके वहाँ आने का प्रयोजन पूछा। युवराज, घर क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर में उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों आया हूँ और अब इस भवसागर से कैसे पार हूँ, यह सब मुझे जानना है। इस प्रकार युवक की जिज्ञासा एवं मुमुक्षु वृत्ति देखकर उन्हें मैं प्रेम पूर्वक राम निवास ले आया। उन युवक का नाम था श्री आसुमल। वे ही आज हम सबके प्यारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के रूप में विश्वविख्यात हैं। उस समय श्री आसुमल आहार में केवल मुट्ठी भर चने खाकर मनोबल विकसित करते थे। उनके साथ मैंने किन्हीं संतों की बातें की। बाद में उन्होंने 40 दिन के अनुष्ठान का मनोरथ बताया। सच्चे जिज्ञासु होने से जैसे वृक्ष जमीन पानी के संसर्ग से अंकुरित होकर अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, ठीक वैसे ही भावपूर्वक श्री आसुमल इस अनुष्ठान में तल्लीन रहे। वे प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठ जाते, आधा घंटा बिस्तर पर ही अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते, बाद में अपने साथ लाए हुए कमंडल को लेकर बाहर निकल पड़ते। नित्य क्रम से निवृत्त होकर नर्मदा जी में स्नान करते, 4:15 तक तो आसन लगाकर ध्यान में बैठ जाते। फिर दोपहर को हम दोनों मूंग की दाल और गेहूं की रोटी खाते। प्रतिदिन रात्रि को राम निवास पर 1 घंटा सत्संग होता। 18 दिन तक निरंतर ये क्रम चलता रहा। 19वें दिन श्री आसुमल जी ने कहा, लालजी महाराज, रोज सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। दिन में जप करता हूँ, इसलिए रात को गहरी नींद आती है। इससे नींद में मेरे पैरों में कोई जंतु कुरेद जाता है, फिर भी पता नहीं चलता। आज खून भी निकलने लगा, कहीं उसका जहर तो नहीं चढ़ेगा ना। इतना कहकर उन्होंने पैर का पंजा दिखाया तो उसमें सुपारी समा जाए, इतना गहरा गड्ढा पड़ गया था, सब कुछ लाल लाल दिखता था। लालजी महाराज को यह देखकर भारी पीड़ा हुई और साथ ही उनकी ईश्वर प्राप्ति की तड़प देखकर मैं गदगद भी हुआ। ध्यान से देखा तो पता चला कि पैर कुरेदने में कुशल छचुंदर पैर कुरेद जाता था। संत श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार, पूज्य श्री के दर्शन, विशेष आज्ञाएं, दिव्य सत्संग, पूज्य श्री का स्वास्थ्य समाचार, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं पूज्य श्री के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की हर सच्चाई अर्थात पूज्य गुरुदेव से संबंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापू की फौज को अभी सब्सक्राइब करें एवं
डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। हरिओम।